जमुआ विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय समेत सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से बुधवार शाम 5 बजे मतदान संपन्न हो गया। दिन 5 बजे तक मतदान कर्मी सभी बूथ केंद्रों पर डटी रही। अधिकांश बूथों पर महिलाओं की कतार लगी रही। बताया गया कि खेतों में काम करने वाले मजदूर तथा महिलाएं काम में जाने से पहले ही मतदान केंद्र सुबह 7 बजे पहुंचे तथा मतदान किया। चुनाव को लेकर इस बार मतदाता काफी उत्सुक दिखे। बाकी मतदाता भी शाम 4 बजे तक मतदान केंद्र पहुंचे तथा मतदान किया। यहां सभी मतदान केंद्रों पर दिव्यांग को ट्राई साइकिल से बूथ केंद्रों पर लाया गया। इस दौरान दिन भर लोग चुनावी पर्व में व्यस्त दिखे। क्षेत्र के मुरखारी, बद्दीहा, झारखंडी, तारा चुंगलो, दुर्गढ़गी, पिंडरसोत, रंबा, कठवारा, परसन, खिजारसोता, मनकडीहा, रंगामाटी सहित विभिन्न बूथों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराया गया। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम ज्योति किरण हेम्ब्रम है, गांव हातुरा जी। अच्छा, पहली बार आप वोटिंग? हम पहली बार वोट दिए हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है पहली बार वोट दे करके? अच्छा लगा वोट दे के। अच्छा, क्या आप सरकार से मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं कि हम लोग जो पढ़ाई लिखा लड़की लोग है तो हम लोग के लिए अच्छा रोजगार का व्यवस्था करे, जो भी सरकार बनेंगे उससे, और जितना भी इधर बूढ़ा बूढ़ी लोग है उन लोग को पेंशन दे, और इधर का जितना भी किसान लोग है उन लोग का और ज्यादा किसान के लिए जितना भी प्रूफ हो सके, इम्प्रूव हो सके, वो सब चीज में ध्यान दे। यही हम विनय करते हैं। इधर ये जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, और आप लोग उत्साह के साथ भारी संख्या में आकर, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि इधर नक्सली क्षेत्र में शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा को ज्यादा ध्यान दे तो सरकार की तरफ से। यही हम मतदान कर्मियों के साथ बहुत ही भद्र और अच्छा व्यवहार किया गया, और शांतिमय ढंग से सभी मतदान आपके मतदाता थे, उत्साह पूर्वक मतदान किए। पुरुष की अपेक्षा महिला की कतार लंबी थी, और हम लोगों को सभी मतदाताओं और यहाँ की जनता से मदद मिली। इसके लिए हमारी ओर से, हमारी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप लोगों के लिए जब भी मतदान होती है तो आप लोगों की कितने बड़ी चैलेंजिंग को सामना करना पड़ता है कि चुनाव को लेकर के? ये महापर्व है, इस महापर्व में हम सब की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, और यही उम्मीद से हम लोगों को मतदान में आना है, और आप लोगों का सदा मदद हम लोगों के बीच रहे। यही बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।